नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लासेस को हम आगे बढ़ाते हुए एक फिर से एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट कैसे करते हैं। और मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट करने से पहले हम जानेंगे कि मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट आखिर होता क्या है। मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट, जब हम ट्रांसफार्मर को नो लोड में, ट्रांसफार्मर कोई लोड नहीं है, ट्रांसफार्मर की LV साइड लो वोल्टेज साइड में हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं डालेंगे, उस कंडीशन में हम मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट करेंगे। मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट, आप कहेंगे कि जब लोड नहीं है तो ये करंट कहां से आया, क्योंकि करंट लोड के ऊपर डिपेंड करता है, लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हमारे ट्रांसफार्मर में जो कोर लेमिनेशन कोर रहता है, तो लेमिनेशन कोर रहता है, तो जिससे क्या होता है, जैसे ही हम सप्लाई चार्ज करते हैं एचपी साइड में हाई वोल्टेज साइड में, जैसे ही हम सप्लाई चार्ज करते हैं, तो मेरा जो आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस होने के वजह से, जब हम ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं, सप्लाई चार्ज करते हैं, तो आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस होने के कारण एक करंट जनरेट होता है। जो मैग्नेटिक लॉसेस हो रहा है उसमें एक करंट जनरेट होता है, तो उसी को हम मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। अब मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों टेस्ट करते हैं? मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट करकर हमको यह पता चलता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर में कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ट्रांसफार्मर के इन साइड में कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यदि हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर के इनसाइड में कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम हुआ है। या तो इंसुलेशन, हमारा जो वाइंडिंग का टर्म इंसुलेशन है वो शिफ्टिंग हुआ है, लेमिनेशन कोर कहीं साइड हो गया है, टेप चेंजर में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारा टेस्ट हम करते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट करते हैं, ये किस बेसिस पर करते हैं? जो हमारा फैक्ट्री टेस्ट का एक डाटा रहता है, फैक्ट्री टेस्ट का एक डाटा, जब आप नए ट्रांसफार्मर खरीद के लाएंगे, 11 KV की हो या 33 KV की हो या पावर ट्रांसफार्मर हो, जब एक आपको टेस्ट डाटा मिलेगा, टेस्ट डाटा में आपका सारा टेस्टिंग किया हुआ रहता है, वो टेस्टिंग का डाटा लिखा हुआ रहता है, वो डाटा आपके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर खरीदे हैं तो टेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास 100% होगा, तो टेस्ट सर्टिफिकेट में सारा टेस्ट का डाटा लिखा हुआ रहता है। जब आप ट्रांसफार्मर चला रहे हैं बहुत दिनों से, ट्रांसफार्मर सपोज बंद है, आप उसको आप चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या हमिंग का साउंड आ रहा है, वोल्टेज अनबैलेंस आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि चलो भाई एक बार मैग्नेटिक करंट टेस्ट कर लो, पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर के इनसाइड में कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। अब ट्रांसफार्मर के इनसाइड में मैग्नेटिक करंट टेस्ट करने से इनसाइड में कुछ प्रॉब्लम हुआ है ये तो पता चलेगा, पर्टिकुलर कहां पर प्रॉब्लम हुआ है ये पता नहीं चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करंट टेस्ट चेक करते हैं। आप कैसे करते हैं? सपोज एक ट्रांसफार्मर है, 11 KV की एक ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये 11 KV की एक ट्रांसफार्मर है, ध्यान से देखिएगा, ये इसकी एचपी साइड है, एचपी साइड मींस हाई वोल्टेज साइड है, UVW, ये हमारा LV साइड है, LV means लो वोल्टेज साइड। अब हम क्या करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, इसमें क्या सप्लाई चार्ज करेंगे? इसमें ये यदि 3 फेज की ट्रांसफार्मर है तो इसमें हम 440 सप्लाई, रेड येलो ब्लू 440 सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, रेड येलो ब्लू किसको प्रोवाइड करेंगे, किस साइड में प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसफार्मर के HP साइड में, HP साइड मींस हाई वोल्टेज साइड में। मैंने क्या किया, लो वोल्टेज सप्लाई चार्ज 415 वोल्ट रेड येलो ब्लू सप्लाई UVW में मैंने चार्ज कर दिया। चार्ज करके मैंने देखा, मैंने सप्लाई तो चार्ज कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हमको करंट टेस्ट करना है। करंट टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल होता है, टॉन्जेस्टर, जिसको हम क्लेम मीटर भी कहते हैं। तो क्लेम मीटर से हम बारी बारी इस वायर में, ये वायर जो हमने चार्ज किया हूँ, ये वायर जो मैंने चार्ज किया हूँ, इस वायर में बारी बारी से क्लाम मीटर लगाकर, या ट्रांजिस्टर मीटर जिसको कहते हैं, हम एक एम्पियर चेक करेंगे। एम्पियर हमको कितना मिलेगा, कुछ मिली एम्पियर में मिलेगा दोस्तों, कुछ मिली एम्पियर में मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में लोड नहीं है, जो भी एम्पियर जनरेट हो रहा है वो आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस होने के वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट हमको मिल रहा है। ये कौन सा करंट मिल रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट मिल रहा है।
तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट जो मिलेगा कुछ मिली एम्पीयर में मिलेगा। सपोज यू फेज में हमको करंट मिला, यू फेज में करंट मिला 0.38 मिली एम्पीयर, मिली एम्पीयर मिलेगा, बार बार कह रहा है दोस्तों मिली एम्पीयर मिलेगा। वी फेज में मिला 0.30 मिली एम्पीयर और डब्लू फेज में मिला 0.29 मिली एम्पीयर। ये किसके साथ टेली करेंगे तब जाकर हमको पता चलेगा कि हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट मैंने किया वो सही है कि नहीं है। ये हमारा जो मैंने अभी जस्ट 2 सेकंड पहले आपको बताया कि हम ट्रांसफॉर्मर जब खरीदते हैं तो एक डाटा फैक्ट्री डाटा टेस्ट मिलता है, वो डाटा टेस्ट से हम इसको मिलाएंगे, समथिंग मिलेगा, ओके समथिंग मिलेगा। और यदि 50 टाइम्स ज्यादा मिल रहा है, सपोज 0.38 मिली एम्पियर है और इसका 50 गुना ज्यादा एम्पियर हमको मिल रहा है चेक करने से, तो समझ जाएंगे कि ट्रांसफॉर्मर के इन साइड में कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम हुआ है। अब ट्रांसफॉर्मर के कौन से साइड में प्रॉब्लम हुआ है इसको चेक करने के लिए हमको पर्टिकुलर टेस्ट करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा कि टेप चेंजर में कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, लेमिनेशन कोर तो अनबैलेंस नहीं हो गया, या टर्न कॉइल का जो टर्न है, वाइंडिंग कॉइल का जो टर्न हो वो तो शिफ्टिंग नहीं हो गया। ओके दोस्तों, ये पर्टिकुलर टेस्ट हम अलग अलग तरीका से टेस्ट करके फाइंड आउट करेंगे। ओके फिर से मैं एक बार कह दूं, ये हमारा जो कुछ मिली एम्पीयर हमको तीनों फेज में मिला वो जो फैक्ट्री बेस्ड जो डाटा टेस्ट सर्टिफिकेट है उसके साथ हम टेली करेंगे। यदि उससे 50 गुना ज्यादा हमको एम्पीयर मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ट्रांसफॉर्मर की इनसाइड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इसी तरीका से हम मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट करके ट्रांसफॉर्मर का चेक करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर लाइक करेंगे और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। शेयर इसलिए करेंगे दोस्तों कि हमारा वीडियो बनाया गया वीडियो कुछ नए भाइयों तक पहुंचे, ताकि उसको भी हमारे पढ़ाए गए क्लासेस इलेक्ट्रिकल नॉलेज की जानकारी मिले। नमस्कार।